हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलिप्स बाय ओब्लॉन्ग मेथड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ड्रॉ इलिप्स बाय ओब्लॉन्ग मेथड। ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ऑफ 100 mm एंड 70 mm लॉन्ग साइड विथ इंक्लूडेड एंगल ऑफ 75 डिग्री। इंस्क्राइब द इलिप्स इन इट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे ओब्लॉन्ग मेथड से। ओब्लॉन्ग मेथड के लिए हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स होगी 100 mm और 70 mm, और इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल होगा 75 डिग्री। नाउ ओब्लॉन्ग मेथड्स में जो स्टेप्स होते हैं वो सेम स्टेप्स रेक्टेंगुलर मेथड में भी होते हैं, ठीक है। तो इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो स्टेप्स हमने किए थे वो सेम स्टेप्स रिपीट होंगे ओब्लॉन्ग मेथड में। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम की हॉरिजॉन्टल साइड जो होगी वो 100 mm की होगी और इंक्लाइंड साइड होगी वो 70 mm की होगी। 100 mm और 70 mm के बीच का जो एंगल है वो 75 डिग्री रहेगा, ठीक है। सो ये इंक्लूडेड एंगल है 75 डिग्री। नाउ 70 mm की जो साइड है उसका मिड पॉइंट लेके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे ही 100 mm की जो साइड है उसको मिड पॉइंट लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 70 mm साइड से पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल चार पैरेललोग्राम आ चुके हैं। नाउ इन चारों पैरेललोग्राम के कॉर्नर्स को हम नेम दे देते हैं। लेट से ये लाइन है हमारी सी डी। कॉर्नर पॉइंट को हम नेम देते हैं पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ, जी एंड एच, ठीक है। नाउ ए बी और सी डी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉइंट ओ, ओके। नाउ हमारे पास पैरेललोग्राम है ए ई डी ओ। इसी पैरेललोग्राम को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट से ए ई वाली जो लाइन है उसकी लेंथ है 35 mm। उसी 35 mm की लाइन को हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। आप 5 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स, कितने भी इक्वल पार्ट्स आप ले सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल हमने 4 इक्वल पार्ट्स लिए हैं। सो 35 mm डिवाइड बाय 4 होगा 8.75 mm, ठीक है। इन चारों डिविजन्स को हम नंबर कर देंगे 1 to 4। नाउ सेम वे लाइन ए ओ जो कि होगा 50 mm, उसी लाइन को भी हम 4 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। जितनी डिविजन्स हमने ए ई पे लिए है उतने ही डिविजन्स हम लाइन ए ओ पे लेंगे। सो 50 डिवाइड बाय 4 इज 12.5 mm। सो हर एक डिविजन्स आपका 12.5 mm का होगा। इन सारे डिविजन्स को हम नंबरिंग कर देंगे 1 to 4। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट 1 और पॉइंट डी को हम एक लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। वैसे ही 2 और डी को हम एक लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे और 3 एंड डी को एक लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप सी से 1 एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन डी 1 पे। सेम सी से 2 एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट होगी लाइन डी 2 पे। सी 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट होगी लाइन डी 3 पे। इन सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। नाउ सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट पैरेललोग्राम पे, दैट इज डी एफ बी ओ। सो हमने बी एफ वाली जो लाइन है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेम वे ओ बी वाली जो लाइन है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। नाउ डी 1, डी 2 और डी 3 वाली लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। नाउ सी और 1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट होगी लाइन डी 1 पे। सी 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट होगी लाइन डी 2 पे। सी 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्ट होगी लाइन डी 3 पे। इन सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम लोकेट कर देंगे। सारे पॉइंट्स को अगर हम स्मूथ कर्व्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा इलिप्स। नाउ ये जो इलिप्स है वो हाफ इलिप्स है। सेम प्रोसेस हम लोअर टू पैरेललोग्राम पे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इजी वे है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो लाइन 70 mm लाइन के पैरेलल है, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको एक राउंडर लेना है। राउंडर का एक पॉइंट ए बी पे होगा और दूसरा पॉइंट होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उन सेम डिविजन्स को आपको लेके राउंडर को ए बी पे रखना है और नीचे की लाइन की तरफ कट करना है, ठीक है। सेम वे
इस पर्टिकुलर पॉइंट को नीचे लोकेट करने के लिए हमको राउंडर से ए बी से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, इसी पॉइंट को सेंटर रख के नीचे कट करना है। सेम वे इसी पॉइंट को हम नीचे की तरफ लोकेट कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम बाकी के पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं, और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम स्मूथ कर्व्स के साथ ज्वाइंट करेंगे तो हमको मिलेगा एलिप्स। ये एलिप्स आपके पैरेललोग्राम के अंदर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं ऑब्लॉन्ग मेथड से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।